गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? घर में रहो, सेफ रहो, है ना। देखो जो ऑनलाइन पढ़ाई शुरू है वो जैसे आपको समझती है वैसे कंप्लीट करो, और जिनको नहीं समझा है तो टीचर को कॉल करके पूछना है कि टीचर मुझे ये नहीं समझा है तो मुझे समझ कर मुझे बताओ, तो टीचर आपको बताएंगी। हाँ, पिछली बार हमने नाना नानी नाना के घर मज़े मज़े, है ना, इसका व्याकरण में हमने क्रिया सीखी, हमारी क्रिया की परिभाषा हो गई, है ना, उसके सेंटेंस हमने नोटबुक में भी लिखे, उसके बाद हमने वर्कशीट भी कंप्लीट की। अभी हमें देखो नीचे वाक्यों में क्वेश्चन नंबर 4, नीचे वाक्यों में शब्द जोड़ों का प्रयोग हुआ है, ऐसे ही जोड़े वाले मनपसंद शब्दों से एक एक वाक्य हमें बनाना है। वैसे देखो उन्होंने सिर्फ हमने एग्जाम्पल दिया है, जैसे उन्होंने जोड़ शब्द, है ना, हरे भरे, है ना, ऐसे ही जोड़ शब्द जो है, देखो ये हरे भरे, है ना, ये जोड़ शब्द है, वैसे ही जोड़ शब्द से हमें नीचे का सेंटेंस बनाना है। गांव की स्त्रियां हरे भरे खेतों में गीत गाती है, वैसा ही जोड़ शब्द हमें यूज करके एक वहाँ नीचे ही हमें क्या करना है, दूसरा सेंटेंस हमारे मनपसंद का जोड़ शब्द। देखो तो हम देखो पहला शब्द पहला सेंटेंस हम तैयार करेंगे, आम के पेड़ पर, आम के पेड़ों पर, आम के पेड़ों पर रंग बिरंगी, रंग बिरंगी, रंग बिरंगे पक्षी, रंग बिरंगे पक्षी, रंग बिरंगे पक्षी बैठे थे, पक्षी बैठे थे, रंग बिरंगी पक्षी बैठे थे आम के पेड़ों पर, रंग बिरंगी पक्षी बैठे थे। दूसरा, बच्चों ने अपना अपना सामान बांधा, दूसरा शब्द दूसरा सेंटेंस ख, बच्चों ने अपना अपना सामान बांधा, वैसे ही हमें जोड़ शब्द बनाकर दूसरा सेंटेंस करना है। मैं अपना काम जल्दी जल्दी निपटा लेता हूँ, जल्दी जल्दी निपटा लेता हूँ, मैं अपना काम जल्दी जल्दी निपटा लेता हूँ, मैं अपना काम जल्दी जल्दी निपटा लेता हूँ। मैं अपना काम जल्दी जल्दी निपटा लेता हूँ। तीसरा, हम बाग बगीचों की सैर करेंगे। तीसरा, देखो तीसरा क्या है, हम बाग बगीचों की सैर करेंगे, वैसे ही हमें जो मनपसंद लगता है वैसा जोड़ शब्द हमें यूज करके नया सेंटेंस हमें बनाना है। देखो बरसात के मौसम में बरसात के मौसम में ताल तलैया सब एक जैसे लगते हैं, सब एक जैसे लगते हैं। बरसात के मौसम में ताल तलैया सब एक जैसे लगते हैं। देखो जल्दी जल्दी ये जोड़ शब्द है, रंग बिरंगे जोड़ शब्द है, ताल तलैया ये जोड़ शब्द है।
बच्चे मोरों के संग संग नाच रहे थे। बच्चे, चौथा, बच्चे मोरों के संग संग नाच रहे थे। तो हम क्या, हम भी हमारे मनपसंद का एक सेंटेंस बनाएंगे। हाँ, बगीचे में रंग रंग के फूल खिले थे। बगीचे में बगीचे में रंग रंग के फूल खिले थे। बगीचे में रंग रंग के फूल खिले थे। पांच, मंद मंद शीतल हवा सुख पहुंचा रही थी। मंद मंद शीतल हवा सुख पहुंचा रही थी। वैसे ही हमें नीचे का सेंटेंस, हमें आप ये सेंटेंस आप करेंगे। हाँ, जोड़ शब्द, आप अपने मनपसंद का कौन सा भी जोड़ शब्द होगा ना, वो आप यहाँ लिखकर, है ना, सेंटेंस पूरा करो, है ना। देखो, अभी हमने ये जोड़ा, जोड़ वाले मनपसंद शब्द, जो जुड़े हुए शब्द होते हैं, है ना, उसके हमने अभी सेंटेंस हमने लिखे। अभी नेक्स्ट पीरियड को हम क्या करेंगे, देखो नीचे है, वचन बदल कर वाक्य दोबारा लिखिए। तो नेक्स्ट पीरियड पर हम क्या सीखेंगे, वचन बदल कर वाक्य दोबारा लिखो। हम वचन सीखेंगे, थर्ड स्टैंडर्ड में भी हम सीखे हैं, लेकिन दोबारा हमें ग्रामर में क्या है, वचन है। देखो, ये हरे भरे आम के पेड़ों पर रंग बिरंगे पक्षी बैठे थे। मैं अपना काम जल्दी जल्दी निपटा लेता हूँ। बरसात के मौसम में ताल तलैया सब एक जैसे लगते हैं। बगीचे में रंग रंग के फूल खिले थे। और ये लास्ट का सेंटेंस आपको ही बनाना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।